أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم

लोगों पर इस्लाम के अदीम एहसानात दिन इस्लाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा और महबूब दीन है जिस दीन को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ने चुना है उसका इंतखाब फरमाया है जिसको अल्लाह ने आसान बनाया है और तमाम के हकूक़ के मुकम्मल रियायत अल्लाह ताला, ताला ने फ़रमाई तो उमर रसीदा लोगों के सिलसिले में भी इस्लाम ने बहुत सारी तालीमात दी हैं ख़ास तौर से रुखसतों के सिलसिले में आसानियाँ जो इस्लाम ने की हैं इस सिलसिले में चंद अहम बातें आज के इस दरस में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा देखिए आम तौर पर परमूबार से ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी को तीन मरल में तकसीम किया एक मरहला बचपन का है दूसरा मरहला जवानी का है और तीसरा आखिरी मरला बुढ़ापे का है बुढ़ापा इंसान की ज़िंदगी के लिए बड़ा आजमाइशी मरला होता है क्योंकि इंसान के जिस्म के आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं उसकी ताक़तें जो हैं जिस्मानी ताकतें इंसान की मान पड़ जाती हैं जिसम में वो नशात और चुस्ती नहीं रहती जो जवानी के मरहले में जो है हुआ करती इंसान बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाता है दूसरों का मोहताज होता है तो इस्लामी शरीयत ने उमर रसीदा बूढ़े लोगों के का जो है हर मामले में बड़ा ख़्याल रखा है उनकी खसूसी उनको जो है रिया, उनकी रियायत की है खूसी अतबार से और उनके लिए बहुत सारी रुखसतें इस्लाम ने दी हैं शुरू में जो हदीस मैंने पढ़ी सही बुखारी की प्यारे नबी सल्ला वसलम ने फ़रमायादकिनसलुफिफ कि जब तुम में से कोई लोगों की अमामत कराएँ तो तखफीफ़ का मामला करें आसानी करें हल्की नमाज़ पढ़ें मुख्तसर नमाज पढ़ के जो है नमाज को मख्तसर करें और लमास को लंबा ना करें क्योंकि अल्लाह के नबी सासन ने कहा फ़मिन होम अईफ़ वकीम अलकबीर के लोगों में जो है कमज़ोर होते हैं बीमार होते हैं और बूढ़े लोग होते हैं तो हर एक की जो है रियायत अल्लाह के नबी सासन ने करने का हुक्म दिया ख़ुद आप सासन ने खुद रियायत भी की है बहुत सारे अहादीस हमें मिलते हैं इसी तरह रमज़ान का रोज़ा हर मुसलमान पर आख़िल बाल पर मुम पर जो है फ़र्ज हैं मगर उमर रसीदा लोग जो बुढ़ापे की उम्र को पहुँचे हैं और उनके पास जो है इस्तात ना हो रोज़ा रखने की ताकत ना हो मशक्क़त परेशानी होती हो पर और उनको जो है जिस्मानी कमज़ोरी या बीमार हों जिनके लिए दवा खाना ज़रूरी है तो इन हालात में जो है शरीयत ने रुख़त दी है कि वो हर दिन के बदले हर रोज़े के बदले एक मिसिन को बतोरे फ़िया जो है खाना खिला दें अल्लाह ने तुर बकरा में कहा आयत नंबर 184 में वाल लदी युति खून फ़िदी तमाम मस्किन कि जिन्हें रोज़े रखने में मशक्क़त होती हूँ अल्लाह ने कहा कि बतौर फ़दिया एक मिस्कीन, एक मस्किन को जो है खाना खिला दें इमाम बुखारी रहमत आलिन ने अब्दुल्ला बिन अब्बास तौन नुमा का वो कौल जो है नक़ल किया इस आयत के सिलसिले में आपने फ़रमाया कि आयत मनसूख नहीं अब्दुल्बिन अब्बास रदी अल्लाहन ने कहा कि आयत मनसूख नहीं है इसका हुक्म ख़त्म नहीं किया गया बल्कि आपने कहा यह हुक्म जो है बूढ़े लोगों के लिए वो बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते अल्लाह ताला ने उनके लिए रुखसत दी है आसानी की है कि हर दिन के बदले एक मस्किन को खाना खिला दें इसी तरह हज का मामला आप ले लें हज अल्लाह ताली ने हर मस्ती पर अल्लाह ने हज वाजिब किया ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह ताली ने हज को वाजिब किया है फ़र्ज़ किया है इसके अंदर ताकत हो जिसमानी ताकत हो माली इस्तात हो सफ़र करने की ताकत हो तो इस सूरत में अल्लाह ताली ने जो है हज फ़र्ज़ किया है लेकिन अगर इंसान इतना बूढ़ा हो गया है कि ताकत नहीं है सफ़र करने की ताकत नहीं है तो अपनी तरफ़ से किसी और को हज के सफ़र पर रुखसत कर सकता है रवाना कर सकता है जो उसकी तरफ से हज करेगा और यहाँ पर हम जानते हैं कंडीशन है एक शर्त है कि जिसको हम भेज रहे हैं हज बदल के लिए वह पहला अपना हज अदा किया तो ऐसे शख़्स को बूढ़े लोग जो है जो कमज़ोर हो गए हैं माली ताकत तो है लेकिन जिसमानी ताकत नहीं सफ़र करने की इस्तात नहीं तो दूसरों को भेज कर जो है हज करवा सकते हैं इतनी आसानी अल्लाह ताला ने की अब्दुल्लाबिन रदी अल्लाह तुमा से इस सिलसिले में जो रिवायत मरवी है सही बुखारी में कबीले कसम के ख़ातून प्यारे नबी सल्हस के पास आई और उन्होंने कहा या रसोल्लाफरीद इबादही अदरकत अबी शेखन कबीर लहजैन खाल नाम आकर उन्होंने अल्लाह के नबी सवाल किया पूछा अल्लाह के नबी वसल्लम मेरे बाप बूढ़े हो चुके हैं और अल्लाह ताला का जो फ़रीज़ा है हज का जो फ़रीजा फरीज़ हज उनको पा लिया है यानी उन पर हज करना वाजिब हो गया है लेकिन मसला ये है कि वो सफ़र करने की ताकत नहीं रखते बूढ़े हो गए हैं कमज़ोर हो गए हैं सफ़र करने की इस्तात नहीं है क्या मैं उनकी तरफ़ से हज करूँ मेरे लिए इजाज़त है तो प्यारे नबी सा ना हाँ तुम कर सकती हूँ तो हज के हज जैसे अदीम फरीदे की अदायगी के सिलसिले में अल्लाह ताला ने रुख़त दी है बूढ़ों बूढ़ों के लिए जो उम्र रसीदा है इसी तरह देखिए सिर्फ इस्लाम ने मुसलमान जो बूढ़े हैं उम्र रसीदा है उनको नहीं बल्कि आसानी का जो मामला है इस्लाम की जो अजीम खसूसियात हैं उसकी जो ख़ूबियाँ हैं उसमें एक बड़ी ख़ूबी ये है बूढ़ों के सिलसिले में इस्लाम ने ये नहीं देखा कि सिर्फ बूढ़े मुसलमान हों बल्कि काफिर भी अगर हैं काफिर भी हैं तो उनकी भी मुकम्मल रियायत जो है इस्लाम ने की है हर मामले में उम्र रसीदा लोगों का ख़्याल इस्लाम ने रखा है हती कि इस्लामी लश्कर को जंग के मैदान में जाते वक्त बहुत सारे हिदायत दी हैं बहुत सारी ताक़द की हैं आसानियाँ की हैं उसमें अल्लाह के नबी साहब ने एक वसीयत ये भी ख़ास की है आप फरमाया करते थे और ये हुक्म क़ियामत तक के लिए हैं ला तख़्तलु शेख़न फ़ानीन वला तिफ़ल वला सगैरा वलम्रता अबू दाऊत की सुन नबी दाऊत की सही रिवायत अल्लाह के नबी सासन फ़रमाते थे कि देखो उम्र रसीदा लोगों को ख़ल ना करना छोटे मासूम बच्चों को कतल ना करना इसी तरह किसी खातून को कत्ल ना करना तो इन तलीमत में अल्लाह के नबी सासन ने बूढ़े जो काफिर हों उन बूढ़ों को जो है कत्ल करने से अल्लाह के नबी सासन ने मना फरमाया इसी तरह अब्दुलमर बिन ख़ाब रौदी अल्लाह अबू हफ्स उमर बिन ख़ाब रौदी अल्लाह ख़लीफ़ अपनी दौर खिलाफत में जो उनके गवर्नर थे मुख्तलिफ शहरों में जिसको गवर्नर गवर्नर बनाया था आपने उनके नाम ये फ़रमान आपने जारी कर दिया था कि किसी बूढ़े और उमर रसीदा से जजिया वसूल ना करना अबन रहमतल नेकाम अहल ज़िम्मा में इस रिवायत को नकल किया है अहिल् ज़िम्मी अफराद वो लोग जो वो काफिर जो मुस्लिम कंट्री में रहते हैं इस्लामी हुकूमत के जेरे आ, मा में उनकी जर निगरानी रहते हैं अपनी जान व माल की इज़्ज़त आवरों की हिफाजत के खातिर जिज़िया जो टैक्स वसूल करते हैं उनको ज़मी कहा जाता है तो ऐसे उम्र रसीदा लोग जो बुढ़ापे को पहुँच गए उम्र ये नहीं देखते थे रौदी इन्होंने ये नहीं देखा मुतलखन मतलम दिया आपने ये नहीं देखा कि उसके पास माल है नहीं है उसके पास जायदाद है नहीं है उसकी औलाद है नहीं आपने आपनेमूमी तौर से ऐलान जारी कर दिया कि जो भी उम्र रसीदा हो गए हैं बुढ़ापे को पहुंच गए हैं उनसे जिज़िया वसूल ना किया जाए पर तो देखिए इतनी आसानियाँ इस्लाम ने की है बहुत सारे जो है उनका मुकम्मल ख्याल रखा गया और उनके सिलसिले में बहुत सारे अहकाम जो है इस्लाम ने दी आगे भी अगले दुरूस में उसकी और शफसली वजाहत आएगी अल्लाह से दुआ है कि रबालमीन हम तमाम को सही मानों में इस्लाम की जो सही तालीम हैं उसको समझने और अमली जो तखादे हैं उसको पूरा करने की अल्लाह से आदत न उमर रसीदा लोगों के सिलसिले में जो भी अहकाम इस्लाम ने हमें दिए हैं उसको करने के अल्लाह शादत न फ़रमाएँ बूढ़े लोगों के जो हकूक़ हैं अदा करने के अल्लाह तो़ीक दें और इस सिलसिले में जो भी कोताहियाँ सुस्ती और काहली हम से हो रही उम्मत से हो रही अल्लाह दरगुजर का मामला फ़रमाएँ अल्लाह सबको शादतमंद बनाएँ शादत की ज़िंदगी जो है लरमाएँ आमीन सुमीन और मालीना असलकम वहल वर्कात